आई मुझसे पूछ रहे थे कि उलमा का साल क्यों लगवाया जाता है। मैंने कहा इसी साल लगवाया जाता है ताकि पूरी जिंदगी उम्मत के हर तबके के मिजाज को पहचान कर पूरी जिंदगी सबके साथ चलना आ जा रहे। मेरे 3 साल थे उलमा के, कितने? 3 साल, 1 साल इंसान में, 1 साल अरब में, 1 साल मगरिब मालिक में, ताकि इन 3 तबके हैं असल में, अरब और हिंद और गरब, इन तीनों के साथ, इन तीनों में 1 साल लगा लो ताकि उम्मत के मिजाज को उनके साथ इख्तलात करके साथ रहकर पहचानो। ये हिकमत थी। तो मैंने सारी बातें ये समझाने के लिए अर्ज की हैं कि तबलीग कोई तंजीम नहीं है, किसी को रखा जा रहा है, किसी को निकाला जा रहा है, नहीं, बल्कि एक उम्मत का इज्तिमाई काम है, उम्मत का इज्तिमाई काम है, ये अमानत है। इस अमानत की अदायगी का उसलूब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में उम्मीद मिलेगी। आपने ताइफ से वापसी पर अद्दाज गुलाम को दावत दी है, उतबा शैबा मौजूद थे, उनको दावत नहीं दी, अद्दाज गुलाम को दावत दी, गुलाम और गुलामी मुश्तरक गुलाम दोनों का मुश्तरक गुलाम, तो और भी अदना होता है गुलाम दो आदमियों का के दरमियान, वो तो और भी ज्यादा अदना गुलाम होता है, अद्दास गुलाम इन दोनों का मुश्तरक गुलाम था। तो गुलाम को दावत दी आपने, गुलाम को दावत दी कि आपकी दावत में उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान का दर्जा इससे कम नहीं समझते थे कि आप उसको खुद दावत दें, आप उसको खुद दावत दें। ये नहीं कि ये हमारा मकान नहीं है, हम अपनी हैसियत के लोगों से मिले, ये नहीं, हम अपनी हैसियत के लोगों से नहीं, हम अपनी हैसियत के लोगों से मिले, ये मिजाज तबलीग